पाकिस्तान में ओमिक्रोन वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस आ चुका है। ओमिक्रोन एक वेरिएंट है, एक म्यूटेशन है कोविड-19 की। जो पहला केस है, खातून है, पॉजिटिव बताई गई। दुनिया भर के साइंसदान अभी इस तगड़ों में लगे हुए हैं कि इसको स्टडी किया जाए, इसका टारगेट क्या होता है। कोई जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हुई। सबसे पहले खबर नशर करने के चक्कर में जनाब बड़े बड़े नामी ग्रामी चैनल्स आ गए, ब्रेकिंग चलाई गई कि क्या वाकई ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। मेरे पाकिस्तानियों, आपने घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले कुछ न्यूज चैनल्स और न्यूज वेबसाइट्स पर एक खबर पब्लिश हुई कि पाकिस्तान में ओमिक्रोन वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस आ चुका है, जिसके बाद एक पैनिक बटन ऑन हो गया। लोगों ने मैसेजेस किए, कॉल्स आना शुरू हो गई कि क्या वाकई इस खबर में सदाकत है कि पाकिस्तान में ओमिक्रोन आ चुका है। ओमिक्रोन एक वेरिएंट है, एक म्यूटेशन है कोविड-19 की, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि बहुत मोहलिक है, बहुत तबाहकुन है और पहले से ज़्यादा मोहलिक साबित हो सकती है। कहा यह जा रहा है कि इसकी जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं वो 50 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है आम कोविड वेरिएंट से जो पहले नमूदार हुआ और लोगों को बहुत हिट किया। तो ये 50 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर है, इसलिए ज़्यादा इसका म्यूटेटेड है और ज़्यादा मोहलिक हो सकता है। अब कुछ देर पहले जो खबरें आई, मुतजाद आरा इसमें थी, तकसीम थे लोग, परेशान थे, ये रूमर्स थी। और ऑब्वियसली हमने तो अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए से लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि मेरे पाकिस्तानियों, आपने घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। हुआ ये कि डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ सिंध ने एक नोटिफिकेशन इशू किया और उस नोटिफिकेशन का जो सब्जेक्ट मैटर है वो ये लिखते हैं, अपडेट ऑन वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओमिक्रोन को कहा गया है कि दिस इज वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ओमिक्रोन केस, यानी ओमिक्रोन केस पर एक अपडेट जारी की जाती है। चार पेशेंट्स, ऑब्वियसली उनके नाम मैं यहाँ पर मेंशन नहीं करूँगा, जिन चार पेशेंट्स के बारे में बात की गई है उनकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं करनी चाहिए, साफ़त के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए। जो पहला केस है, खातून है, शी 65 ईयर्स ऑफ एज, पॉजिटिव बताई गई और ये लिखा है नीचे ब्रैकेट में कि ओमिक्रोन डिटेक्ट हुआ है, अनवैक्सीनेटेड थी, इन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई थी, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी कोई नहीं है। अच्छा, ये डिस्चार्ज कर दी गई फ्रॉम AKUH 8 दिसंबर 2021 को और बताया गया कि ये होम आइसोलेशन में है इस वक्त, यानी क्वारंटीन की हुई है। अच्छा, इनको आइसोलेट भी कर दिया गया। भाई, आप एक तरफ कह रहे हैं कि ओमिक्रोन वेरिएंट है, फिर इनको रखते हैं आप हॉस्पिटल के अंदर, उसके बाद डिस्चार्ज कर देते हैं, यानी ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। दुनिया भर के साइंसदान अभी इस तगड़ों में लगे हुए हैं कि इसको स्टडी किया जाए, सैंपल्स कलेक्ट किए जाएँ, देखा जाए कि ये कैसे अमल करता है, इसका टारगेट क्या होता है और कैसे स्पाइक प्रोटीन्स इसके ऊपर मौजूद हैं। कोई जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हुई जो होनी चाहिए लैब के अंदर, और आपने डिक्लेयर कर दिया कि ये ओमिक्रोन वेरिएंट इनमें पाया गया है। फिर दूसरे पेशेंट हैं, 61 ईयर्स ऑफ एज, बताया गया कि ये पॉजिटिव है, ये वैक्सीनेटेड थे, साइनोवैक थी इनकी अगस्त 2021 के अंदर, इनके बारे में नहीं कहा गया कि ये ओमिक्रोन डिटेक्ट हुआ है। बाकी सारे पेशेंट्स जो हैं उनमें वेरिएंट ऑफ कंसर्न की डिटेक्शन नहीं बताई गई, सिर्फ 65 ईयर्स ऑफ एज की जो खातून है उनके बारे में कहा गया कि कोविड पॉजिटिव है और इनमें वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी ओमिक्रोन पाया गया है। कोई जीनोम सीक्वेंसेस नहीं, कोई सैंपल लैब के अंदर नहीं गया और आपने उनको ओमिक्रोन पेशेंट डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद क्या था, आपको पता है कि यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में, सबसे पहले खबर नशर करने के चक्कर में जनाब बड़े बड़े नामी ग्रामी चैनल्स आ गए, ब्रेकिंग चलाई गई, एक आया, दूसरा आया भेड़ चाल की तरह, तीसरा, चौथा, पाँचवा, और ऐसे आया कि वो फिर जंगल में आग की तरह खबर फैल गई। हालांकि अभी तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ सर्विसेज इस्लामाबाद की तरफ से इसको कन्फर्म नहीं किया गया था कि क्या वाकई ये वेरियंट ऑफ कंसर्न है या नहीं है, ये ओमिक्रोन केस ही है, क्योंकि इनकी तो ट्रैवल हिस्ट्री भी कोई नहीं है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ सर्विसेज इस्लामाबाद की ट्विटर हैंडल के ऊपर ये वाजे तौर पर बता दिया गया है कि आपने घबराना नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सैंपल कलेक्ट कर लिया गया है, जीनोम सिक्वेंसिंग का अमल जारी है, लैब के अंदर हम इसको स्टडी कर रहे हैं, जिसके बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है कि ओमिक्रोन ही है या ये आम वेरियंट है कोविड का। तो इस हवाले से मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अफवाहों पे कान ना धरा कीजिए और ये देखा कीजिए कि खबर का सोर्स क्या है, कहाँ से आ रही है, और उसके बाद उस पर यकीन किया कीजिए। अच्छा, अगर ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है भी, आपको याद होगा NCOC के सरबराह असद उमर साहब ने अपने प्रेसर के अंदर बताया था कि ओमिक्रोन ने बिलाखिर पाकिस्तान आना ही आना है, हांगकॉन्ग तक पहुँच गया, इसने जल्द या बदेर पाकिस्तान आना है, इसको हम रोक नहीं सकते।
बहुत दिन तक ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। आपको पता है कि इससे पहले भी खान साहब ने मुकम्मल लॉकडाउन तो नहीं किया, ना ही हुकूमत पाकिस्तान अब इस स्ट्रैटेजी पर अमल करेगी कि मुकम्मल मुल्क को चोक कर दिया जाए, लॉकडाउन कर दिया जाए। हाँ, उन्होंने ये कहा कि हम इसकी आमद को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, यानी रोक सकते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो वर्क एफ एक महीने तक रोक सकें, दो महीने तक रोक सकें, या एक या दो हफ्ते तक, या एक या दो दिन तक रोक सकें, इस बारे में कुछ पता नहीं है। जब भी आएगा, दुनिया भर के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है वो जानना भी बेहद ज़रूरी है। मतलब यूरोप के अंदर जो है अभी तक इस पर स्टडी हो रही है और बताया जा रहा है कि माइल्ड केसेस हैं, यानी इतने इंटेंस केसेस नहीं है, मोर्टैलिटी रेट को बहुत ज़्यादा नहीं है इसका, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है दिल्ली के अंदर, राजस्थान के अंदर, उसमें बहुत सारे पेशेंट्स एसिम्प्टोमैटिक हैं, यानी इस वेरिएंट के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर सिम्टम्स जाहिर नहीं हो रहे हैं, एसिम्प्टोमैटिक हैं। फिर जो यूरोप में है वो माइल्ड केसेस हैं एसिम्प्टोमैटिक पेशेंट्स के, अभी तक 44 केसेस ऐसे हैं जो बताए जा रहे हैं कि शायद इसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट हो सकता है, लेकिन माइल्ड सिम्टम्स के साथ है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हम पर बड़ी करम नवाजी की है कि अल्लाह ताला ने हमें पहले भी बहुत बड़े नुकसान से बचाया है। दुनिया के ममालिक बंद हो गए, उनकी मईशतों को बहुत बड़ा धचका हुआ, उनके बहुत सारे लोग इस वबा से जान की बाजी हार गए, लेकिन पाकिस्तान पर अल्लाह ताला का खास करम है। तो अब भी इंशाल्लाह अगर हम एहतियात करेंगे, एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे, फेस मास्क लगाएंगे, और अभी तक वो लोग जिन्होंने वैक्सीन डोज नहीं ली है, मेरी उनसे दस बस्ता गुजारिश है कि वैक्सीनेशन ले लें, क्योंकि WHO ये कह रहा है कि वो वैक्सीनेशन जो अभी तक दस्तियाब है वही ओमिक्रॉन वेरियंट यानी वेरियंट ऑफ कंसर्न पर भी कारगर है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है जनाब, SOPs पर अमल करें और जितनी जल्दी हो सके जो वैक्सीन मौजूद है, कतई नजर इस बात से कि कौन सी है कौन सी नहीं है, कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, आप फौरी तौर पर वैक्सीनेशन डोज ले लें ताकि हम पूरे मुल्क को महफूज बना सकें। तो अब तक से लिए इतना ही जी, नेक्स्ट वीलॉग के अंदर नए इशू के साथ फिर से हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, SOPs पर अमल कीजिएगा, अपने दोस्त अहबाब अजीज़ अकारिब को भी अर्ज कीजिएगा कि वह SOPs पर अमल करें और वैक्सीनेशन डोज ले लें। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।